सियासी उठापटक के बीच सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के सिलसिले में बक्सर पहुंचे। एक साथ भाजपा बक्सर सांसद सह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे भी साथ दिखाई दिए। आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए और मंदिर परिसर में विकासात्मक कार्यों के फेज एक का उद्घाटन व फेज टू के कार्यों का शिलान्यास किया है। ब्रह्मपुर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना किया। सीएम नीतीश ने राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। ब्रह्मेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद सीएम नीतीश ने प्रांगण में मौजूद तालाब का जायजा लिया। अफसरों से रेनोवेशन से जुड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी भी लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगे। नीतीश कुमार अक्सर अपने बक्सर दौरे के दौरान ब्रह्मपुर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। साल 2005 और 2009 में भी बाबा ब्रह्मेश्वर का आशीर्वाद लेने आए थे। जुलाई 2022 में मंदिर प्रांगण में कई विकास योजनाओं की शुरुआत भी किया था। सीएम ने उसका भी अपडेट लिया है। आपको बता दें कि रामचरितमानस विवाद पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह बहुत गलत बात है, धार्मिक मामलों में बहस नहीं होनी चाहिए, अपने अपने धर्मों को मानने के लिए सभी को अधिकार है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर माफी नहीं मांगने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गलत बात है, उनकी पार्टी के लोगों ने ही सभी बातों को कह दिया है। बाबा आज सब कुछ ठीक ठाक रहा मुख्यमंत्री जी के साथ? भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। कब तक बाबा सरकार, बाबा सरकार कब तक? यह जो ही राम रुचि राखे, बाबा बाबा सरकार कब तक, बाबा सरकार कब तक? बाबा ऐलान कर रहे हैं बक्सर की धरती से। यहाँ भगवान राम की प्रथम कर्म भूमि में दुनिया की विशालतम मूर्ति श्री राम की और रामायण सेंटर बनने जा रहा है, उसका भी भूमि पूजन जल्दी हो। सीएम कौन बाबा? सीएम कौन? सीएम कौन? जो ही राम और रुचि राखा, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।